कल गाड़ी में घुस गया चूहा, 4-5 हज़ार का फूड खा गया। ये देखो पीछे नजारे, दो गुजराती भाई, कैम छो मजा मचो भाई, 2 रूपए पी के चल रहे हैं रोडों पे। एंड ये छोटी सी फैमिली मिली है सबको हैप्पी दिवाली, और इस बच्ची ने बनाए। एंड आज के हमारे कुक हका नूडल्स। वाओ, हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। आज का सेटअप कंप्लीट हुआ। Hey everybody, अभी देखिए रेडी हो चुके हैं। राइट नाउ आई एम एट सोनप्रयाग, एंड सोनप्रयाग से ऊपर ट्रैक जाता है केदारनाथ को, और अभी गाड़ी फुल्ली पैक्ड है। आज हमारे साथ 2 पर्सन जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो बहुत अच्छी सौखी हमने जगह मैनेज की है। एंड सबसे बड़ी बात आपको बताना भूल गया, कल गाड़ी में घुस गया चूहा, पूरी गाड़ी में जितना फूड था सब कुतर गया, सब कुतर गया। कम से कम 4-5 हज़ार का फूड खा गया वो, उसके अलावा कुछ कपड़े खा गया, बहुत नुकसान कर दिया यार उसको। पूरी गाड़ी कल चेक की थी अभी, तो एक बार वॉश करवा लेंगे इसको कहीं से, तो वो क्या करेंगे कि इसको बेटर तरीके से देख लेंगे, इसके अंदर होगा अगर चूहा तो निकल भी जाएगा। देखो टाइम ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, और हमने यहाँ पे छोटा सा बाबा जी का, देखो केदारनाथ का मंदिर हमने गाड़ी में सेट कर लिया है। एंड ये भाई अपने साथ है, दोनों आज सभी साथ में दिवाली मनाएंगे। अब हम शायद थोड़ा क्लियर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग, और कैमरा सेट कर लिया है। हर चीज में इतना ज्यादा मोनोपोली है, मतलब वहाँ गेट पे लिखा है आपका पर डे पार्किंग चार्जेस ₹100 है पर 3 दिन का, उसके बाद में एक्स्ट्रा कॉस्ट किया जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट ₹300 ही बनता है। ₹600 लिए हैं यार, डबल लिया यार, समझ से बाहर है। है दिवाली यार, ये वीडियो तो आप बहुत दिन बाद देखोगे, वैसे बहुत दिन बाद, लेकिन फिर भी आप ये देखो, आज दिवाली के दिन कम से कम अकेले घूमना था, लेकिन अभी दो भाई है साथ में तो बढ़िया लग रहा है। दो गुजराती भाई, पहली बार मेरे कोई गुजराती दोस्त बना है। और हम लोग साथ में दिवाली मनाएंगे, कहीं बढ़िया से रुकेंगे, गाड़ी सजाएंगे, घर बनाएंगे, खाना बनाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, पटाखे लेके जाएंगे, और बढ़िया दिवाली मनाएंगे। गाइस इधर के एरिया में ना लोग घरों में देखो इस तरीके के, ये जो फ्लावर शॉप है ना, तो इस तरीके के फ्लावर लगाते हैं आर्टिफिशियल, हमने देखे हैं बहुत सारी गाड़ियों पे। जैसे ये देखो अभी दिवाली है ना, आज तो दिवाली के दिन सबने गाड़ियां सजा रखी है अपनी। इधर के लोगों का ये अलग ही ट्रेंड देखने को मिलता है। वैसे यार ये अच्छी चीज भी है कि आप चाइनीज लड़ियों का यूज ही नहीं कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, अपना अपना कल्चर है। गाड़ियां देखो ये भी सजा रखी है, एक्टिवा भी सजा रखी है, देखो सी लुक एट दिस, ये देखो इसमें फ्लावर लगे हैं, ये देखो इसमें भी लगे हैं। तो दिवाली पे ये चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिली हमें। कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा यार, क्योंकि आज है दिवाली, और दिवाली के दिन कहीं भी परोंठा चाय नहीं मिल रहा है। एक जगह एक होटल था, हमने वहां रोका नहीं, सोचा आके देख लेंगे, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। ये अभी यहाँ पे गाड़ी रोकी है दिवाली के दिन, सभी भाइयों को पहले तो हैप्पी दिवाली भाइयों। परोंठा उठ गया यार, क्योंकि कहीं कुछ भी कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ से व्यू दिखाता मैं आपको, क्या व्यू है यार, कितना सही जगह है, घर है, काश मेरा होता यहाँ पे। ये देखो पीछे नजारे, लुक एट दिस, थोड़ा सा ऊपर चल के उधर वो केदारनाथ वाली पीक्स आ जाएगी, एंड ये भी हाई पीक्स है। क्या गजब जगह है यार, क्या गजब जगह है। और वो देखो खेत, देखो वो देखो कितने शानदार लग रहे हैं। मैं उत्तराखंड में ना इतना घूमा नहीं हूँ, लेकिन हिमाचल अपना ऑलमोस्ट सारा कवर है, लेकिन उत्तराखंड की ब्यूटी भी एक अलग है। इधर आओ, इधर के भी बड़े नजारे हैं, बड़ा शांत सा इलाका है इधर का। खाना खाते हैं। ओ भाई थैंक यू सो मच इतनी कैंड चाय देने के लिए। देखो डेकोरेशन में फ्लावर्स ही लगे हैं, ये फ्लावर्स बहुत साल पहले गांव में भी लगा करते थे, बहुत साल पहले, जब ये चाइनीज लड़ियां टाइप चीजें लोग नहीं लगाते थे, इस तरह की डेकोरेशन की जाती थी घरों में। आई डोंट नो जगह का तो क्या नाम है, लेकिन यहीं से कुछ लेते हैं। दिवाली वाली का प्रोग्राम करेंगे आज, कहीं मनाएंगे, गाड़ी लगाएंगे साइड में, तो पटाखे ले लेते हैं, मिठाई ले लेते हैं, लाइटिंग ले लेते हैं। इस बार हमारी दिवाली रहेगी उत्तराखंड के जंगलों में, पता नहीं कहाँ हम कैंपिंग करेंगे दिवाली के दिन, अभी तक कोई प्लान नहीं है। दो गुजराती भाई, कैम छो मजा मचो। एवरीबॉडी अभी जस्ट हम खड़े हैं, ये कोई मार्केट है, इस मार्केट का क्या नाम है, तिलवाड़ा में है हम, और यहाँ से ले रहे हैं स्वीट्स। ये वाली लाइटिंग भी ली है हमने, जो आज गाड़ी पे लगेगी, भाई निकाल के दिखाएगा अभी आपको।
हाँ जला के दिखाएंगे ये। आज हमारा गाड़ी में सेटअप रहेगा और हम ओपन में, शायद ऐसा ब्लॉग इंडिया में किसी ने नहीं बनाया होगा, हमारा पहला रहेगा दिवाली का ब्लॉग। हम आपको कैंपिंग दिखाएंगे घर से दूर, कुछ पटाखे वटाखे लेने के लिए, ज्यादा नहीं बस एक ही बॉम्ब लेंगे। एक बॉम्ब लिया जिसमें से 25 पटाखे निकलेंगे, हम ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेंगे। दिवाली है, एक तो बनता है भाई, एक तो बनता है। वैसे जगह भी ऐसे चूज करेंगे जहाँ थोड़ा सा सेफ हो। अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में और ये एक टनल आ गई है, अभी यहाँ से होते हुए हम ऊपर जा रहे हैं बद्रीनाथ। यार आज दिवाली है एंड दिवाली के दिन यार एक चीज बड़ा गंदा लग रही है कि हमने देखे बहुत सारे लोग ना भाई दारू पी के चल रहे हैं रोडों पे, बीच में चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग ही मतलब चल रहा है इधर माहौल ही। ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, दिवाली के दिन बढ़िया इतना अच्छा त्योहार है और आप देवभूमि में रहते हो, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और यहाँ आगे ब्रिज आया है, ब्रिज के पास नीचे की तरफ शायद नदी है और अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अभी देखो यहाँ से कर्णप्रयाग है 1 किलोमीटर, लेकिन हमें जाना बद्रीनाथ 126 किलोमीटर। इस जगह का नाम है कर्णप्रयाग, प्रयाग मीन्स होता है संगम, ये भी कोई न कोई नदी का संगम तो है। राइट नाउ आई एम एट कर्णप्रयाग एंड कर्णप्रयाग में दो नदियों का संगम है, एक पिंडक करके नदी है शायद और दूसरा अलकनंदा है, दोनों का संगम है। एक तो ये रिवर आ रही है यहाँ से होते हुए, एक उधर से आ रही है और वहाँ आगे जाके संगम बनता है इनका। वहाँ कर्ण प्रयाग भारत में जो 5 प्रयाग है उनमें से एक है। कर्ण का मंदिर भी है, कर्ण को समर्पित एक मंदिर भी बना हुआ है। ऐसा ब्रिज के आसपास वहीं कहीं है, नीचे तट के जहाँ ये संगम हो रहा है ना वहीं है शायद ये मंदिर। काफी अच्छी जगह, बड़ी पीसफुल है। आज हम वैसे लोकेशन अभी ढूंढना शुरू करते हैं कैंपिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने मनानी है आज दिवाली एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। ये शायद वीडियो पता नहीं कब आएगा। राइट नाउ आई एम एट चमोली, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। रंगोली देखने को मिली, हम अभी रास्ते में रुके हुए हैं, जस्ट कैंपिंग लोकेशन देख रहे हैं एंड ये छोटी सी फैमिली मिली है, सबको हैप्पी दिवाली और इस बच्ची ने बनाए। क्या नाम है आपका? हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, थैंक यू थैंक यू। अरे बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा बना रखा है। एवरीबॉडी हमें अभी एक लोकेशन मिली है, ये अपने भाई एंड ये कोई होटल है, इसके पास में इतना स्पेस मिला है, ये एकमात्र जगह है, ये 50-60 किलोमीटर के बाद में, और यहाँ गाड़ी लगा दी है। लुक एट दिस, हमारा कैंप सेटअप देखिए रेडी हो चुका है। मैं अभी एक्स्ट्रा लाइट्स ऑन कर देता हूँ, ये अपनी गाड़ी है जिसपे हमने कुछ डेकोरेशन की लाइट। लुक एट दिस, दिस इज आर कैंप सेटअप, आज का हमारा स्टे, नाउ यू कैन सी दिस। एंड अपनी थार में एक चूहा घुस गया था, उसने बहुत सामान कुतर दिया था, मैंने वीडियो में दिखाया है, अभी बस इतना सामान बचा हमारे पास, ये भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए, तो आज इनमें से कुछ बनेगा हमारा दिवाली स्पेशल फूड। एंड आज के हमारे कुक गुजराती कुक हमारे, एंड ये बंदा बहुत बहुत तगड़ा बंदा भाई। आज भाई गुजराती में केम छो, मजा में छो, यहाँ बनेगा अभी फूड अपना। और गाड़ी में अब सेटअप दिखाता हूँ मैं आपको, हर जगह कपूर डाला है, हमें किसी ने आइडिया दिया कि कपूर डाल दो तो चूहा निकल जाएगा, भाई इतना उसने कुतरा है ना सामान को, मेरे कपड़े मेरे मोजे सब फेंक दिए हमने, बहुत जगह हमने कपूर डाला है फॉर सेफ्टी। आज अपना दिवाली स्पेशल लुक यही है मॉर्निंग से, क्योंकि हमें जगह चाहिए थी ना, हमें फाइनली जगह मिली है, गुजराती सेफ मिले हमें। आज बन रहा है हमारा इसमें नूडल्स, देखिए किस तरीके से अपना सेटअप सब बढ़िया लग चुका है, रात में आराम से सोएंगे। लुक एट दिस, जो रोड से जा रहा है ना, मैं अभी रोड पे हूँ, कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है उसको, जितना आता है ना एक बार उतना ही माल बनाना पड़ेगा। तो यिप्पी नूडल्स है हमारे पास, तो वो बन रही है, और ये हमारे शेफ भाई, इधर करो फेस, ये बात। और ये मैं आपका अपना दीप ढाल, यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ, तो पहुंच जाएंगे मॉर्निंग में आराम से, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, आज यहाँ पे बढ़िया से कैंपिंग करके सो जाएंगे, सुबह यहीं से परौंठे खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। इज रेडी, यू कैन सी डिलीशियस फूड रेडी, हका नूडल्स भाई का बनाया हुआ। भाई हमारा डिनर तैयार है, पहले डिनर करेंगे उसके बाद पटाखा बजाएंगे एक, और ये हमारे 2-4 साथी भाई लोग हैं, सबके साथ मिठाई बांटेंगे, छोटी सी दिवाली है, भगवान ने इनके साथ लिखी है तो इनके साथ मनाएंगे। भाई लाइट मारते मुंह पे, इधर थोड़ी हूँ मैं। तो इनके साथ में थोड़ी सी दिवाली मनाएंगे, आफ्टर दैट भाई सोने का ही काम है, फिर सो जाएंगे आराम से। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। थोड़ा कॉम्प्रो तो करना पड़ेगा दोस्त। हमारा एक लड़का अभी पटाखा बजाने के लिए रेडी है, इसमें निकलेंगे आई थिंक 25 निकलेंगे इसमें, तो इसको एक बार सिलगा देते हैं, शायद एक ही बजाएंगे लेकिन 25 बार ये फायर मारेगा।
आ जाओ। हे भगवान प्लीज चल जाए। गजब, इसको हमने कुछ और इमेजिन किया था यार। वाओ, हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। आज का सेटअप कंप्लीट हुआ, हमने छोटा सा दिवाली मनाने की कोशिश की अपने भाई लोग। भाइयों कैसा लगा दिवाली पे घर से दूर आके? वैसे थोड़ा तो याद आती है यार, थोड़ा फैमिली याद आती है। हमारी तो भाई इतनी सी दिवाली थी, जो होना था हमने कर लिया, अपना एंजॉय जिस तरीके से कर सकते थे। एंड होपफुली आपको इस सेटअप के साथ मजा आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड लव लाइफ, बाय बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। मिलते हैं ऐसे ही कोई बढ़िया से वीडियो में, बाय बाय।